नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। आज है 16 मई 2024 और मैं हूं संजय सिंह महान। आइए देखते हैं देश प्रदेश की ताजा खबरें। राजनीतिक खबरों में महोबा में बोले योगी आदित्यनाथ, हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए नहीं बना। रायबरेली में बोली प्रियंका गांधी, महिलाओं से ज्यादा कपड़े बदलते हैं नरेंद्र मोदी। बांदा में बोली मायावती, आरक्षित पदों पर नहीं मिल रही नौकरी। खड़गे बोले, हमारी सरकार बनी तो गरीबों को 10 किलो मुफ्त राशन देंगे। मोदी बोले, धर्म के आधार पर बजट चाहती है कांग्रेस, में नहीं होने दूंगा। साहब बोले, केजरीवाल के अंतरिम जमानत का फैसला सामान्य नहीं। गठबंधन को मजबूती देने आज लखनऊ आएंगे सीएम केजरीवाल। ममता बनर्जी बोली, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो बाहर से करेंगे समर्थन। कांग्रेस बोली, भाजपा दक्षिण भारत में हुई साफ। राजनाथ सिंह बोले, सार्थक राजनीति झूठ से नहीं हो सकती। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बोले, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया मुफ्त राशन। अखिलेश आज बांदा फतेहपुर में करेंगे चुनावी जनसभा। मायावती आज फतेहपुर में करेंगी चुनावी जनसभा। फतेहपुर में 16 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जनसभा को संबोधित। जिले में 16 की रात से भारी और 17 की सुबह से छोटे वाहनों पर रोक। कोसामी बोले, केशव प्रसाद मौर्य, राहुल की कुंडली में प्रधानमंत्री पद का योग नहीं। तेजस्वी यादव बोले, 10 साल में मोदी कभी झारखंड के विकास की बात नहीं करने आए। राजद बोली, देश के मुख्य एजेंडे से हटकर स्तरहीन बयानबाजी कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जयराम रमेश बोले, पीएम चाहे करें इंकार, भाजपा का पूरा एजेंडा केवल हिंदू मुसलमान वाला। जेपी नड्डा बोले, ममता दीदी घुसपैठियों के साथ समझौता करती हैं। ममता बनर्जी बोली, इस बार सिर्फ हारने का गणित चल रहा है। अदालती खबरों पर नजर डालते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभियुक्त को गिरफ्तारी का आधार जानने का मौलिक और वैधानिक अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, शादी में मिले उपहार की सूची बनाए वरवधु पक्ष हस्ताक्षर करें ताकि दहेज के निरर्थक मुकदमों से बच सकें। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जंगल में लगी आग पर उठाए सवाल, मुख्य सचिव को हाजिर होने का दिया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, सरकार की सुविधा के अनुसार काम नहीं करता है कानून। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 3 दिन की जमानत दी, पिता मुख्तार अंसारी की प्रार्थना सभा में हो सकेगा शामिल। सुप्रीम कोर्ट बोली, जीवन व निजी आजादी के अधिकार का हनन पर सख्ती से निपटने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जीएसटी के सभी मामलों पर गिरफ्तारी जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संपादक की गिरफ्तारी को बताया अवैध। आजम खान समेत 4 पर 1,000 रुपए का जुर्माना। सामाजिक खबरों पर नजर डालते हैं। पहली बार 14 शरणार्थियों को सीए से मिली नागरिकता। इटावा में गड़े खजाने के लालच में दी गई थी बालक की बलि। बरेली में योगी की फोटो पर माला डालकर लगाया स्टेटस, हुआ गिरफ्तार। चार धाम में भीड़ से बड़ी मुश्किल है, बिना पंजीकरण के नहीं होगा प्रवेश। राज्यों से कहा, 31 मई तक वीआईपीओं को न भेजें। पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का हुआ निधन। ज्योतिरादित्य सिंधिया की माँ माधवी राजे सिंधिया का हुआ निधन। मुंबई होर्डिंग हादसे में 2 और शव मिले। नवनीत राणा के घर 2 लाख की नकदी लेकर नौकर हुआ फरार। आंध्र प्रदेश में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव डीजीपी को किया तलब। शिमला में अनुसूचित जाति वर्ग के युवक पर पेशाब करने पर मुख्य आरोपी समेत 5 गिरफ्तार। हर चौथे व्यक्ति को हाइपरटेंशन। रोज 2 फल, 200 ग्राम सब्जियां और 100 ग्राम साबुत अनाज घटाते हैं बीपी। प्रयागराज में कार चला रहे युवक को आया हार्ट अटैक, हुई मौत। दिल्ली में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए केजरीवाल ने किया रोड शो। सेना पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर चुनाव आयोग पहुंची भाजपा। आम चुनाव में भाजपा को क्षेत्रीय दलों से मिल रही है ज्यादा चुनौती। राजस्थान में बच्चा चोर गैंग का पर्दाफाश। बोले, मदारी का खेल के लिए जमुरा बनाने के लिए भीड़ वाली जगह से चुराते थे बच्चे। स्वाति मालीवाल से वधता को लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन। उन्नाव, इटावा, हरदोई समेत 17 जिलों में लगेंगे वाटर मीटर। अमरमणि में सुनवाई 30 मई को। उन्नाव में जेल में बंद गैंगरेप के आरोपी की गई जान। महाराष्ट्र में नौसेना अफसर की ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने बचाई जान। मायावती आज फतेहपुर में करेंगी चुनावी जनसभा। प्रयागराज में कार चला रहे युवक को हार्ट अटैक, हुई मौत। 31 मई के आसपास मानसून के केरल पहुंचने के हैं आसार। दुबई में सबसे ज्यादा भारतीयों के पास है संपत्ति। यूपी में 3 दिन सताएगी लू। अब बात करते हैं आर्थिक खबरों। SBI ने FD की ब्याज दर में बढ़ाई। निर्यात 6.9% बढ़ा। व्यापार घाटा 4 महीने के उच्चतम स्तर पर। वॉलमार्ट ने सैकड़ों कर्मचारियों को निकाला। EPFO ने स्वचालित तरीके से दावा निपटान सेवा की शुरू। PF की रकम 3 दिन के अंदर मिलेगी। सेवी ने KYC के सत्यापन को किया सरल। करदाता लेन देन के विवरण पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अपराध और कानून की खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड के मंत्री आलमगीर हुए गिरफ्तार। धोखाधड़ी के मामले में मलयालम फिल्म निर्माता जॉनी हिरासत में लिए गए।
हरदोई में रोडवेज बस ने ली मासूम की जान, बस्ती में बेकाबू रफ्तार ने ली 6 लोगों की जान। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पेरू में खाई में गिरी बस, 13 की गई जान। फ्लोरिडा में ट्रक की टक्कर से 8 लोगों की हुई मौत। संयुक्त राष्ट्र ने शुरू की कर्नल काले की मौत की जाँच। नौकरी से बर्खास्त अप्रवासियों को अमेरिका ने दी राहत। बात करते हैं खेल की खबरों की। ओलंपिक में पहली बार 2 भारतीय रैपिड पिस्टल में साधेंगे निशाना। राजस्थान रॉयल्स लगातार 4th IPL में हारी। पंजाब ने 5 विकेट से हराया। कप्तान सैम करन की 50 2 विकेट भी लिए। अब बात करते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी खबरों की। आदित्य L1 और चंद्रयान 2 ने सौर तूफानों की तीव्रता आंकी। माइक्रोसॉफ्ट ने मोबाइल गेम स्टोर जल्द लॉन्च करने की बात कही। दुनिया में लू से हर साल लाखों लोगों की होती है मौत। गूगल के IO इवेंट में छाया रहा AI मॉडल। दुनिया भर में हजारों यूजर्स के इंस्टाग्राम और फेसबुक हुए डाउन। चीन से भारत में EV बैटरी डंपिंग का खतरा बढ़ा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल UP ताजा न्यूज को सब्सक्राइब करें। हमें अपनी राय, सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।